आज रायबली के तिलक भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सरेनी सुधा द्विवेदी व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं रायबली प्रभारी फिरोज खान, साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी सहित तमाम कांग्रेसीगण उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी क्या बातें रखी, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोग ही ऐसे हो कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं या अपराध हो रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से उजागर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश इस समय अपराध में नंबर वन पर है। अभी हाल ही में बनारस में जो BHU की छात्रा थी, IIT की छात्रा थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों ने, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा गैंगरेप किया गया, शराब के नशे में गैंगरेप किया गया, और सरकार जो ही बैठी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार, 2 महीने बीत गए, चुनाव उस समय चुनाव हो रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में व्यस्त थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव में व्यस्त थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध घटित हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, और यहीं के अपराधी जो हैं, जो अपराध जिन्होंने किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार थी उनके संरक्षण में वहाँ पर छुपे हुए थे। 2 महीने तक इन्होंने उसको जानबूझकर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। जब हमारे प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने इस बात को उठाया, बनारस में उठाया, तब उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, उल्टे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? जनता जो छोटी जनता है, जो गरीब जनता है रायबरेली की, वो सोनिया जी को धन्यवाद देती है। आप जिस गांव में, आप तो लोग तो पत्रकार हैं, जिस गांव में चले जाओ, छोटी बस्ती में चले जाओ, तो लोग ये कहते मिलेंगे कि अगर विकास किया है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस समय अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, देश में 15वां स्थान इसका है, और ये अपराध महिलाओं के तो बहुत बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि तत्काल में अभी बनारस में कांड हुआ, रेसलर हमारी बेटियां कितनी परेशान हो रही हैं, उन्नाव में अभी कांड हुआ, लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना उनका सम्मान हो रहा है, ना उनकी सुरक्षा है, कोई गारंटी, सरकार गारंटी की बात करती है लेकिन कभी महिलाओं की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रही है। वो कहाँ जा रहे हैं? अभी तत्काल आपने देखा बिल्किस बानो का आज जो मुद्दा चल रहा है कि उनको छोड़ दिया गया और उनको सम्मान दे दिया गया, आज फिर न्यायालय ये कहिए कोर्ट को, न्यायालय को हम धन्यवाद करेंगे कि वो हम महिलाओं के साथ न्याय कर रही है, लेकिन ये जो सरकार है ये दिन पे दिन खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, ना इन पे कोई कसाव है, ना इनको कोई पकड़ है, ना इनको कोई डर है कि हम महिलाओं के को सम्मान करें, बस चारों ओर अपराध ही अपराध दिख रहा है, मन बड़ा दुखी हो जाता है। मैं महिला हूँ इसलिए महिलाओं की ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं आज शामिल हुई कि प्रेस वार्ता में कि मैं अपनी बात रखूँगी और ज़रूर कहूँगी कि ये जो अपराध हो रहे हैं इन पर अंकुश लगाया जाए, और हम सब लोग समाज के लिए आगे से आगे लड़ते रहेंगे, जब तक ये अपराध खत्म नहीं होंगे हमारी कांग्रेस पार्टी और हम सब उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए धरना भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके लिए उनको न्याय दिला के ही हम रुकेंगे, यही हमारा सोचना है और मानना है। फिरोज अहमद खान है, मैं आपके बगल प्रदेश में सचिव हूँ और रायबरेली में भी मैं नया चार्ज बना के भेजेंगे, पहली बार मैं रायबरेली राजनीति से आ रहा हूँ, बाकी नाता पुराना है रायबरेली साना जाना रहा है, सुल्तान से जब कुछ करेंगे। सही होता है कि इसमें राम मंदिर कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने तो ऐसा सवाल पूछा है कि राम मंदिर का जो जजमेंट हुआ है कोर्ट से हुआ है, अब जब कोर्ट ने दिया है जो जजमेंट वो सर्वाथे पर राम मंदिर का निर्माण हो गया है, वो होना चाहिए। आप देखिए राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा की आपने बात की, हमारे यहाँ देखो मैं तो मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी जितनी जानकारी मुझे है, हमारे यहाँ हर विभाग में जो सर्वोच्च होता है वो प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो सनातन धर्म के हिसाब से जो 4 हमारे पीठ हैं उनको करना चाहिए था। जो मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं लेकिन मेरा अपना है कि अब इसको कहते हैं राजनीति। अगर हमारे
धर्म में जो सबसे श्रेष्ठ हैं अगर वो करते तो शायद राजनीति की गुंजाइश कम रहती।